हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आईपी रेटिंग के बारे में। आखिर आईपी रेटिंग होती क्या है, कहां कहां मिलती है और काम कैसे करती है। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भारत चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बात। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो आईपी रेटिंग, आखिर आईपी रेटिंग होती क्या है। आपने बहुत बार देखा होगा कि इसके मोबाइल के अंदर IP67 रेटिंग है, इसके कैमरा के अंदर IP68 रेटिंग है, इसके मोबाइल में IP55 रेटिंग है। आखिर IP55 रेटिंग होती क्या है। इसका मतलब होता है, IP का मतलब होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन, जो आपको लिक्विड और सॉलिड के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है कि आपके डिवाइस इन दोनों चीज़ों से, मतलब धूल से और पानी से या लिक्विड से, आपका डिवाइस खराब नहीं होगा। इसका आईपी रेटिंग का मतलब यही होता है। और अगर हम IP67 की बात करें, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इस समय जो सबसे ज़्यादा चलन में है वो IP67 रेटिंग है। मगर कुछ डिवाइस के अंदर IP68 रेटिंग देखने को मिली है। IP67 का मतलब है कि आपका डिवाइस 1.5 मीटर की गहराई, मतलब 1.5 मीटर की गहराई तक आपका फ़ोन 30 मिनट तक वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकता है। इसका IP67, इसका जो पहला मतलब होता है IP6, मतलब आपका डिवाइस एक 6 लेवल तक आपका, ये पहला मतलब होता है 6 RCM। पहले RCM का मतलब होता है कि आपके डस्ट के खिलाफ, मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके खिलाफ आपका डिवाइस कितनी प्रोटेक्शन देता है, और दूसरे का मतलब होता है कि लिक्विड पार्टिकल्स के खिलाफ आपका मोबाइल कितनी प्रोटेक्शन देता है। दोनों अलग अलग मतलब होता है। अगर आपका डिवाइस के अंदर शुरू के अंदर पहला अक्सर 5 है, तो मतलब आपका डिवाइस पूरी प्रोटेक्शन नहीं देता, उसकी वो कुछ चांस है उसके खराब होने के। लेकिन 6 का नंबर बात करें, जो सबसे लास्ट में आता है 6 नंबर सबसे आखिर में आता है। लिक्विड के अंदर भी गिनती चल रही है, 8 तक लोगों ने इसे बना दिया है। 8 का मतलब आपका डिवाइस बहुत लंबे समय तक, बहुत गहराई तक आपके डिवाइस कुछ नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक आपका फोन बहुत ज़्यादा गहराई तक रह सकता है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। और हम बात करें इसका पूरा मतलब क्या निकल रहा है, कौन कौन सी डिवाइस के अंदर होता है, तो आईपी रेटिंग हर डिवाइस के अंदर होती है। जैसे किसी के अंदर IP11 हो, मगर हर डिवाइस के अंदर रेटिंग जरूर होती है। आपके डिवाइस के अंदर IP55 है, तो उसके अंदर कंपनी वाले उसके अंदर रेटिंग डाल के रहते हैं आपके डिवाइस की इतनी रेटिंग है। और सबसे पहले वाटर प्रूफ फ़ोन की बात करें, सबसे पहले वाटर प्रूफ फ़ोन बनाया 2006 के अंदर नोकिया ने, नोकिया 5500 मोबाइल बनाया, जो सबसे पहले वाटर प्रूफ मोबाइल था। मगर यह कोई स्मार्टफोन नहीं था। मगर स्मार्टफोन की बात करें, सबसे पहला वाटर प्रूफ IP67 रेटिंग का पहला वाटर प्रूफ फ़ोन बनाया था सोनी एक्सपीरिया जेड सीरीज के अंदर। सोनी ने 2010 में पहला वाटर प्रूफ फ़ोन बनाया था। और आज बात करें, आज सभी डिवाइस, लगभग सभी डिवाइस आपको आईपी रेटिंग देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आईपी रेटिंग समझ में आ गया होगा, आखिर आईपी रेटिंग होती क्या और ये काम कैसे करती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे अच्छी वीडियो लेकर आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन।